आपने ये। हम अर्जी लगेगी हम बुला लेंगे मैया राम नाम जपो बैठ करके हम बुला लेंगे आपको वही एक कोने में बैठ जाओ सीताराम बहुत जपो जितना ज्यादा जपोगे तो ही अर्जी स्वीकार होगी हाँ मैं एक रवि रोकना इनको माता जी एक मिनट रोको एक पर्चा ये अभी तक तो हम जिन्हें बुलाते रहे तो हो सकता हमारे अपने हो हमने ये पर्चा बनाया है हमें भी पता नहीं जो सबसे पहले खड़ा हो उसी का है आपका है माता जी आपने वो हाँ जी बालाजी से कहो वो हमें बुलाएंगे तो हम आपको बुलाएंगे नहीं तो नहीं सीताराम बोलो ना आप बैठ के हम बोल रहे हैं ना आपको बार बार पूछ नहीं करना वरना हमें क्रोध भी आता है सीताराम जितना हो सके उतना जब करो वो जैसे ही हमें आदेश देंगे हम आपको बुलाएंगे नहीं देंगे नहीं बुलाएंगे जिन्हें अभी हम बुला रहे थे हो सकता वो हमारे हों अब तो हमें भी पता नहीं था किसका पर्चा है रोते नहीं हैं शांति बैठो बेट। उठ बैठो देखो तुम हजार लोगों में वो भी हजार डेढ़ हजार तो होंगे आज ज़्यादा ज़्यादा लोग होंगे आपको बुला बुला लिया माइक उठाओ कहां रहते फैमिली से हम हम लंदन अभी तो थे ना हनुमंत का धाम है पुछू? हम आए थे हमने आपका वीडियो देखा हमने आपका गाड़ी भी मिस किया हम इतने तेज नहीं थे लेकिन इनको और आपके शिष्य को पहचान लिया जब वीडियो देखते थे बार बार तो मुझे लगा ये कोई पेट्रोल स्टेशन में गाड़ी थी और हमारी गाड़ी आ रही थी और गुरु जी शायद डोर बंद कर रहे थे hmm. तो वो नेताजी जैसे लगते थे अब नेताजी के बारे में हमारी दूसरी सोच होती है पॉलिटिशियन के लिए इसलिए हम नहीं देख पाए लेकिन मुझे कुछ लगा बाद में हमारे एक मित्र है ब्राह्मीण hmm. उनको मिलने गया खाना बनाया था hmm. हम अकेले रहते हैं तो कभी कभी खाना बना देते हैं और जो मित्र फ्री होते हैं उनके साथ जाके खाते हैं अगर उनको अच्छा लगे तो तो हम ले पड़े हमारा खाना लेके और उन्होंने मुझे वीडियो बताया बोलता ये कोई चमत्कार है तो मैं बोला ये तो हमारा द्वार खुल जाएगा हम कब से परेशान हैं पता नहीं कितने साल बीस साल हो गए हो गए आओ नजदीक यहाँ आओ चलो तुम्हारी अर्जी लग गई ये कुशलता की बात है और नज़दीक आओ अच्छे से बैठो नवाज नहीं पढ़ना है सॉरी और नज़दीक करो नहीं कोई बात नहीं गुरु का फर्ज है बताना पूछो प्रश्न मेरा लव मेरा डिवोर्स हो गया शायद मेरी कोई गलती होगी लेकिन कोई बताता नहीं था नहीं। और मेरी एक्स बहुत परेशान किया पैसे से अभी बच्चा को नहीं देखा हम नाइनटीन मंथ हो गया उन्नीस मंथ हो गया हम केस लड़ रहे हैं सच्चाई पे माता जी ने बोला राम राम नाम बोलना माता जी को भी एक परेशानी है तो आप क्या चाहते हैं मा... बच्चे को चाहते हैं कि परिवार चाहते हैं मुझे परिवार तो चाहिए उसमें बच्चा भी आ जाएगा और माता माता जी को भी कम कम कमान, वाइब्रेशन मैंने महसूस किया है लेकिन नज़दीक कभी सोचा नहीं था क्या आपके टोटल तीन प्रश्न हैं घर में कलेश मचा सुख शांति रहेगी परिवार बिखर गया अलग रहता है पत्नी व बच्चे जिसका प्रश्न लेकर आए उन पर कृपा पूर्ण होगी आगे योग है लेकिन आगे आप जो है क्रोध ना करना क्रोध ना करना बस आप कर दो, हम क्रोध क्योंकि तुम आवेश में आकर के बहुत गंदे शब्द बोलते हो जिन शब्दों के कारण मुटाव हुआ है और तो आप क्रोध मत करना कंट्रोल लैंग्वेज में बात करना हम अपनी तरफ से सेना भेजेंगे अभी विवाद यानी केस चलेगा केस अभी चलेगा आगे समझौता का योग बनेगा समय जरूर लगेगा माँ के शरीर में कम, नसों में कमजोरी आ रही है पैरों में सूजन आ जाती है सूजन आ जाती है कंपन होता है शरीर कवता रहता है शरीर के नसों की कमजोरी के कारण ये दिक्कत है क्रोध कम करेंगे तो परिवार एक हो जाएगा आशीर्वाद है कि क्या। जिन विषयों को बोला है इस विषयों पर अभी पहले आप तैयारी करो अपनी तरफ से वो देखो हम भगवान नहीं हैं हमने रास्ता बता दिया भगवान ये हैं बालाजी और सन्यासी बाबा जिन्होंने हमें बताया हमने आपको बता दिया हम एक माइक हैं व्यवस्था हैं हम ना कोई भगवान है ना कोई गुरु हैं हमने मार्गदर्शन दिया हमारे परिचय में जो आया वो हमने आपको बता दिया आप क्रोध कम करेंगे केस पर आप जो है केस तो चली रहा है समझौता का एक चांस मिलेगा आप उसको भुना लेंगे तो शक्तियाँ अपनी कृपा करेंगी ही और विवेक का काम है हम तो बहुत कह दें कि चलो भाई 2022 में शादी हो जाएगी तुम दूल्हा ही ना बनो अब तो हनुमान जी तो दूल्हा बनने जाएंगे नहीं भाई जो है हम स्पष्ट बोल रहे हैं जैसे कृपा है हम पे और हम दरबार ना लगाएं, तो क्या किसी का भला होगा यस yes, सुनो no. अच्छा हम आए ना क्या किसी का भला होगा हम पर्चा ना बनाए हमें तीनों करना पड़ेगा वही हमने आपको और आज तक आप जो प्रश्न ढूंढ रहे थे ना कि कमी क्या है हमने कमी भी बता दी आपको अब तो मान गए अपनी कमी समझ में आ गए अच्छा अब 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 तुम्हें तो क्यों बुलाया तुम्हारा नंबर ऐसे क्यों लगा ये और देख लो चमत्कार होता है कि नहीं उसका प्रमाण ये है समझ गए काम का प्रश्न था।, का था काम कृपा होगी आगे स्थाई मिलेगा स्थाई चाहते हो यही चाहते ना जाओ हाउ स्थाई होगा जाओ खुश रहो एक मंत्र और कात्यायनी माता का परचा दो परचा तो समझ आ गया बात समझ आ गई मंत्र नहीं समझ आएगा मंत्र हम हमेशा उल्टा ही लिखते हैं क्योंकि अगर मंत्र समझ में आ गया तो राज खुल जाएगा अच्छा भाई मंत्र का तो ही खेल है तो मैं दिया मंत्र कोई दूसरा पढ़ दे। आप दो जाएं। एक है बढ़िया मंत्र पढ़ो कात्यायनी का वो नहीं मोबाइल से नहीं बोल नीचे जाओ माइक से वो विवाद के लिए विवाद यानी केस, केस के लिए फोटो दे दोनों धर्म